सर टाइगर थ्री और सलार के क्लैश के बारे में आप क्या कहेंगे? यही कहूंगा सर कि मतलब प्रभास का बुरा टाइम चल रहा है, पनौती टाइम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तीन टू बैक फ्लॉप फिल्में दी और वो सलार को भी फ्लॉप करवा के मानेंगे, क्योंकि सलमान खान कहेंगे शायद ही प्रभास टिकेंगे। हालांकि ऐसे भी मतलब रूमर्स आ रहे हैं कि सलार जो है वो KGF का पार्ट होने वाला है, उसमें हमें यश भाई यानी कि रॉकी भाई भी देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ये रूमर्स हैं, अभी इस पर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं आया है। वही दूसरी बात की जाए इसकी टाइगर थ्री की, तो टाइगर थ्री का मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि वो धूल चटा देंगे सलार को, क्योंकि भैया इसमें सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का भी कैमियो देखने को मिलेगा। मतलब सलमान खान तो लीड रोल पे हैं, वो टाइगर ही हैं, ठीक है, और शाहरुख खान का कैमियो यानी कि मतलब पठान का कैमियो देखने को मिलेगा, और ऋतिक रोशन का इसलिए रूमर्स में दौड़ रहा है नाम, क्योंकि भैया सलार पठान सॉरी टाइगर थ्री पठान और वॉर ये तीनों स्पाई यूनिवर्स की मूवी है साश फिल्म्स की, इसलिए मेरा मानना है कि इन तीनों के सामने शायद ही प्रभास टिक पाएंगे। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, बाकी दोनों ही फिल्में कमाएंगे बात सच है। और जिस हिसाब से अभी जवान से डर के इन्होंने पोस्टपोन किया था अपने रिलीज डेट को सलार ने, तो हो सकता है 2024 में आए, मेरा ऐसा पर्सनली। 2024 में सर पुष्पा आनी है, पुष्पा टू, तो क्या लगता है पुष्पा के सामने स्टार्टिंग में जो मैंने बोला कि पनौती चल रही है इनकी किस्मत, तो वही है। बाकी अब जब मूवी आ गई तब पता चलता है, पता चल जाएगा कि भैया इसमें कितना दम है सलार में। बाकी जिस हिसाब से डर के शाहरुख खान से जवान से पोस्टपोन हुए, तो उससे नहीं लगता कि इनको कॉन्फिडेंट है अंदर अपने कि ये फिल्म कमाल दिखा पाएगी। तो मूवी के लिए एक्साइटेड है? हाँ, मैं दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ। ओके सर, थैंक यू।